मैं सीए इंटर में ग्रुप वन में अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, और ग्रुप टू में मैं एडवांस अकाउंट पढ़ाता हूँ, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैं शेयरिंग करता हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ग्रुप टू में लविस सर, मैं और अभिषेक सर, हम तीनों मिलके कुछ कुछ पोर्शन पढ़ाते हैं। तो जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स सीए इंटर के हैं, अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट, ये सब मैं टीच करता हूँ। तो मेरा जो टीचिंग का पैटर्न है, वो चूँकि मेरे को 25 इयर्स हो गए हैं, तो एक एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को पढ़ाने का काफ़ी अच्छा हो गया है। कि मेरे को ये समझ में आया दोस्तों कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल के तरीके से ही टीच किया जाना चाहिए। लाइक आप जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करवाइए। मेरी जो असाइनमेंट है उसमें काफ़ी एग्जॉस्टिव कवरेज है अपनी इंस्टीट्यूट की, प्रैक्टिस मैनुअल, स्टडी मटेरियल, रिविजनरी टेस्ट पेपर का पूरा कवरेज उसमें है, और काफ़ी एग्जॉस्टिव असाइनमेंट है। और मेरा पढ़ाने का तरीका भी ये है कि मैं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाता हूँ क्लास में, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाता हूँ क्लास में कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कोई भी मतलब स्टूडेंट्स के मन में फियर बचता ही नहीं है उस टॉपिक के बारे में। उनको कहीं लगता ही नहीं है कि हम वो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके होते हैं ऑलरेडी। कम से कम 500 क्वेश्चंस आई थिंक मेरे हर सब्जेक्ट में होंगे। अकाउंट्स में मोर देन 500 क्वेश्चन, कॉस्ट अकाउंट्स में 500 क्वेश्चंस, एडवांस अकाउंट में 500 क्वेश्चंस। तो इतने क्वेश्चंस को मैं क्लास में प्रैक्टिस करा देता हूँ कि जब एग्ज़ाम में बच्चे बैठते हैं तो उन लोग को कुछ नया लगता ही नहीं है कि हम लोग ये क्वेश्चन नहीं किए हैं। क्या होता है दोस्तों कि प्रैक्टिकल शुड बी टॉट इन ए प्रैक्टिकल वे। आप अगर बहुत ज़्यादा उनको थ्योरी पढ़ा देंगे बच्चों को और फिर प्रैक्टिस कम करवाएंगे ना, तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ाता हूँ। मोरओवर मैं अकाउंट्स को इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि आप लोग को मतलब अकाउंट्स में प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप जाएंगे ना, तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको जो अकाउंट्स में टीच करता हूँ ना, वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी काफ़ी हेल्प करता है आपका। वेन एवर यू गो टू इंडस्ट्री और एनी बिजनेस हाउसेस, तो आपको क्लास में इस तरीके से टीच कर दिया जाता है अकाउंट्स कि आपको प्रैक्टिकल्स वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती, आपको कोई नया नहीं लगता। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी मैं इस तरीके से एक्सपोजर देता हूँ कि आपको फाइनेंस फील्ड का पूरा नॉलेज एक हो जाता है। तो मेरी तरफ से दोस्तों आप सबको बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। बीइंग अ फैकल्टी, क्योंकि डायरेक्टर के जो हमारे रोल्स हैं वो तो हम करते ही हैं, और उसके अलावा बीइंग अ फैकल्टी मैं पढ़ाता भी हूँ यहाँ पर सब्जेक्ट। तो बेसिकली सीए फाउंडेशन में मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स लेता हूँ। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में मेरा अप्रोच ये रहता है कि बच्चों को केवल एक थ्योरेटिकल एजुकेशन न दिया जाए, बल्कि उसको प्रैक्टिकल विजन दिया जाए। जैसे बहुत सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं कि बच्चों को अगर मैं डिमांड और सप्लाई का चैप्टर पढ़ा रहा हूं, और इनको डिमांड और सप्लाई की केवल अगर मैंने डेफिनेशन बता दी, तो वो एक ऐसे बिजनेसमैन जो कि अपने अनुभव से जो डिमांड और सप्लाई को सीखा है, जो समझता है कि क्रॉप खराब हो गई है तो यहाँ पर प्राइस बढ़ जाएगा, तो वो तो समझ जाते हैं। लेकिन बच्चों को केवल थ्योरेटिकल ज्ञान मिलने से वो एक नॉर्मल जो बिजनेसमैन उस सोच तक भी नहीं आ पाता। तो मेरा प्रयास ये रहता है इस सब्जेक्ट को लेते समय कि बच्चों को प्रैक्टिकल विजन दिया जाए और उसको थ्योरेटिकल ज्ञान भी दिया जाए, ताकि वो एग्ज़ाम में भी क्लियर कर सके और सब्जेक्ट उसके लिए इंजॉयफुल हो सके। तो माय अप्रोच इन सिंपल वर्ड इज दैट फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स टू मेक दिस सब्जेक्ट प्रैक्टिकल नॉट थ्योरेटिकल। और मैं सीए इंटर में लेता हूँ टैक्सेशन, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। हम सोसाइटी में जब भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करते तो हमारे माइंड में सबसे पहले आता है कि भाई इनको टैक्स का पूरा नॉलेज है। तो चार्टर्ड टैक्सेशन सब्जेक्ट में मेरी अप्रोच ये रहती कि इनकम टैक्स के सब्जेक्ट में टैक्स प्लानिंग अप्रोच पढ़ाई जाए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड रखा जाए, टेस्ट लिए जाए, और ताकि बच्चों को प्रोविजंस याद करने के बजाय उस प्रोविज़न क्यों आया और उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे क्या स्टोरी, वो समझ में आए। और इसके अंदर जीएसटी भी मैं लेता हूँ, क्योंकि जीएसटी इज़ अ करेंट अफेयर नाउ। तो
जीएसटी के मैटर में मेरी कोशिश ये रहती मेरी कि पढ़ाने के अलावा बच्चों को प्रैक्टिकल विजन दिया जाए, किस तरीके से एक्चुअली काम होता है, क्योंकि हमारे ऑफिस में जीएसटी पे काम भी होता है, इनकम टैक्स पे काम भी होता है, तो हम बच्चों को कोशिश करते हैं कि उनको प्रैक्टिकल विजन दिया जाए। तो ये एक मेरी अप्रोच रहती है और हम चाहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से और प्रैक्टिकल विजन के साथ यहाँ से एजुकेशन दे के भेजें। थैंक यू। यहाँ पर सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स और सीए इंटर का लॉ सब्जेक्ट में लेता हूँ, तो अकाउंट्स में जो मेरी टेक्निक होती है वो ये होती है कि मैं चाहता हूँ कि बच्चों को सबसे पहले कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आए, ताकि उनको कोई भी अकाउंट्स में उनको कहीं पर भी बेसिक्स में प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि अगर बुनियाद अच्छी रहेगी तो नींव अगर मजबूत होगी तो घर बहुत शानदार बनेगा। तो मैं इसी उद्देश्य से, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं क्लासेस लेता हूँ। प्लस जो हमारे क्लासेस का जो कवरेज रहता है उसमें जितने भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स होते हैं, चाहे वो स्टडी मैट हो या और भी जो आरटीपी आते हैं या कोई प्रैक्टिस मैनुअल अगर आते हैं, उन सबको हम थॉरोली कवरेज कराते हैं क्लास में। क्लास में हमारे डाउट सेशंस होते हैं और हम ये चाहते हैं कि क्लास में जितना हम समझाते हैं बच्चों को, तो घर में बच्चा ज़रूर से प्रैक्टिस करे। तो इसके लिए हम होमवर्क देते हैं बच्चों को, ताकि वो घर में उनकी मेहनत करें और उन होमवर्क्स को हम चेक करते हैं, ताकि और प्लस हम लोग डेली बेसिस पे डाउट सेशंस रखते हैं अपने यहाँ, जिसकी वजह से अगर बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसको दूर कर सकते हैं। इंटरमीडिएट में मैं लॉ का सब्जेक्ट लेता हूँ। लॉ में जहाँ तक पढ़ाने का तरीका है मेरा, तो मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले बच्चों की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आना चाहिए, क्योंकि रटने के बजाय अगर बच्चा समझ के रखे तो उसको हमेशा परमानेंटली वो चीज़ों को समझ सकता है। और लॉ को मैं सबसे पहले प्रैक्टिकल विजुलाइज कराता हूँ, ताकि उनके दिमाग में उनको थ्योरी सब्जेक्ट का एहसास नहीं हो, वो ये समझें कि ये हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही है। उसके अलावा मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं लॉ को लर्न करवा दूँ क्लास में एज इट इज़, मतलब लीगल लैंग्वेज के साथ मेरा प्रयास रहता है कि मैं क्लास में बच्चों को याद करवा दूँ। इसके लिए मैं क्लासेस में डेली मैं बच्चों को टारगेट देता हूँ, इनको मैं ओरल टेस्ट लेता हूँ उनका, जिसकी वजह से उनकी पर्सनल, उनकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है। और टाइम टू टाइम हम उनको रिटर्न टेस्ट लेते हैं, प्लस उनके रिवीजन के लिए हम लोग ऑडियो नोट्स इनको प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो घर में आराम से उसको रिवाइज कर सकें। और जहाँ तक कवरेज की बात है, तो इंस्टीट्यूट के जितने भी मटेरियल हैं वो सारे के सारे हम कवर करते हैं, चाहे स्टडी मैट हो, चाहे प्रैक्टिस मैनुअल हो, चाहे आरटीपी हो या पास एग्जाम क्वेश्चन। तो इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक्सेल को इस ऊँचाई तक पहुँचाया। थैंक यू वेरी मच। हरियन जैन, मैं एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सी ए आई पी सी सी क्रैश बैच टैक्सेशन और अकाउंट्स की क्लासेस लेता हूँ। साथ ही सी एम ए इंटर में मैं डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और अकाउंट्स ऑडिट की क्लासेस लेता हूँ। जैसा आपको सब पता है, प्रोफेशनल कोर्स में कुछ डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसे अपन समझ कर भी कई बार पढ़ना भी चाहें तो हम इजिली समझ नहीं पाते। हमारी पूरी कोशिश, हमारी क्लास की पूरी एनर्जी उसी चीज़ में रहती है कि हम टफ से टफ टॉपिक को इतना इजी वे में कन्वर्ट कर दें, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ, कुछ स्टोरीज के साथ, कि वो कहानी, वो पूरी आपको प्रोविजंस का क्रक्स, उस प्रोविजन का लॉजिक, रीजनिंग, कि ये प्रोविजन क्यों लाया गया, इसके पहले क्या होता था, मतलब कहां से टैक्स रिवेन्यू का लॉस होता था, कहां से गवर्नमेंट को तकलीफें होती थी, कहां से कंट्रोल लैक हो रहा था, कहां पे हमें तकलीफें हो रही थी डिपार्टमेंट को, एसएससी को, उसकी क्या जरूरत थी, क्या अहमियत थी वहां पे अमेंडमेंट लाने की, उन सारी बातों के डिस्कशन के साथ मैं हर प्रोविजन को बहुत इजी कन्वर्ट करता हूं, ताकि वो प्रोविजन आपके दिमाग में इजीली बैठ जाए। और जैसा मुझे स्टूडेंट बताते हैं, सर कुछ क्लासेस में ऐसा होता है कि जब वो एग्जाम देने बैठते हैं और क्वेश्चन देखते हैं तो उन्हें क्लासरूम का डिस्कशन पूरा स्टोरी की तरह याद आता है, और वो बोलते हैं सर हमें किसी प्रकार से दिक्कत नहीं जाती है आंसर बुक में लिखते वक्त। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय सेल्फ सीए अभिषेक बरड़िया। मैं अभी एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में CS और CA से रिलेटेड सब्जेक्ट्स लेता हूँ। तो फिलहाल मैं CA में फाउंडेशन लेवल पे बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज एक सब्जेक्ट है, उसको टेकअप करता हूँ। CA इंटर में एक न्यू एडिशन हुआ था इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, वो उसको टेकअप करता हूँ। सिमिलरली CS फाउंडेशन लेवल पे अकाउंटिंग जो एज अ सब्जेक्ट है उसको मैं डील करता हूँ। और CS एग्जीक्यूटिव में टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, जिसमें इनकम टैक्स और GST के बारे में, तो ये वर्क प्रोफाइल है बेसिकली। इसमें जो पढ़ाने का तरीका या जो क्लासरूम एटमॉस्फियर रहता है, क्योंकि
मेरे तो दोनों ही एरिना है, थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो थ्योरी पेपर में ऑलमोस्ट जैसे फाउंडेशन लेवल में बीसी के है, तो उसमें वी एंश्योर इन द क्लास की एक लाइन भी उसकी मिस ना हो, क्योंकि जो 40 मार्क्स का पेपर है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किसी भी चीज़ को लेके आ जाएगा, और यही पिछले अटेम्प्ट्स में देखा भी गया है। तो क्लास में हम एंश्योर करते हैं कि जो एमसीक्यूज आपके स्टडी मटेरियल में हैं वो तो हैं अपनी तरफ, बट उससे कम से कम 500 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हम क्लास में पढ़ाई के दौरान ही कवर अप कर लेते हैं थ्रू ईच एंड एवरी लाइन। मैं अपने ही स्टूडेंट से उनके एमसीक्यूज जनरेट करवाता हूँ और उनसे नोट अलग करवा देता हूँ, तो जब हमारी पूरी क्लासेस ख़त्म होती है तो लगभग 500 क्वेश्चन हमारे खुद के तैयार हो जाते हैं ईच बैच में। सिमिलरली जो प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं, तो प्रैक्टिकल्स में ऐसे कई समरी शीट्स हैं, खास करके टैक्सेशंस में इनकम टैक्स या जीएसटी को लेके हो गए, तो जो समरी शीट्स हैं जो स्टूडेंट्स को उस वक्त हेल्प करती है जब वो एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते हैं, तो ऐसी सब चीज़ों की हम कोशिश करते हैं ताकि जब एग्जामिनेशन डे आए तो स्टूडेंट जो है वो उस सब्जेक्ट के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सीएस नितिन अग्रवाल एंड मैं सीएस प्रोफेशनल और फाउंडेशन की क्लासेस लेता हूँ एक्सेल इंस्टीट्यूट में। सीएस प्रोफेशनल में मैं 3 सब्जेक्ट्स लेता हूँ, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी, ड्यू डिलिजेंस सेक्रेटरियल ऑडिट, एथिक्स सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस। सीएस फाउंडेशन में मैं 2 सब्जेक्ट्स लेता हूँ, मैनेजमेंट एथिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिक्स। मेरा बेसिकली मोटिव ये होता है स्टूडेंट्स कि मैं चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में समझाऊँ, मैं हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली ले जाता हूँ और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बताता हूँ। बिकॉज आपको सीएस बनने के बाद में एज अ प्रोफेशनल यू हैव टू डू योर वर्क इन अ प्रैक्टिकल मार्केट, प्रैक्टिकल सिचुएशन, तो यू शुड लर्न एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एट योर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन व्यू के साथ साथ उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कैसी होती है और उसको कैसे हम एग्जीक्यूट करें। थ्योरिटिकल बेसिस पे ही प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन होता है, बट प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन होता कैसा है उस चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। दूसरा, एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अभी कोई केस लॉज है तो हम लोग केस लॉ की एक पूरी शीट पढ़ते समय तैयार करते हैं और साथ ही साथ सेक्शन की भी शीट्स पूरी पढ़ते समय तैयार करते हैं, तो वो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत अपना खुद का एक नोट्स बन जाता है हमारा, तो वो हमको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करता है ताकि हम एक समरी भी बना सके और रिवाइज भी कर सके उन चीज़ों को। साथ ही साथ में मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो लॉ है, जो बेयर एक्ट है, उसको हम ब्रेकअप करके पढ़ें। लॉ को एक साथ एक लाइन में अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे वो क्या बोलना चाह रहा है, तो हम लॉ को कोशिश करते हैं कि हम उसको ब्रेकअप करें, लॉ को बांटें और फिर उसको पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें, और इस तरह से हम लॉ को ना ही सिर्फ याद रखें बल्कि उसको पूरी अच्छे से समझ लें, लॉ के इंटेंट को समझें, लॉ बताना क्या चाह रहा है, लॉ बोलना क्या चाह रहा है, ये हम कोशिश करते हैं क्लास में समझने की। ये हमारा मेन, ये हम एक्सेल में कराते हैं। थैंक यू। हेलो ऑल, माई सेल्फ तेजस कुमार सराफ, मैं एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सीएस प्रोफेशनल डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस की क्लासेस लेता हूँ। क्लास में मैं अपने ही नोट्स प्रोवाइड करता हूँ जो कि मोस्टली बेयर एक्ट ही होते हैं। बेयर एक्ट देने का रीज़न ये है ताकि स्टूडेंट एक्ट को इंटरप्रेट करना सीख सके, क्योंकि उसको आगे काम मार्केट में करना है। जैसे ही वो ये लेवल क्रॉस करेगा वो सीधा फेस करेगा प्रैक्टिकल सिचुएशंस को, जहाँ पे उसको डील करना है नए क्लाइंट्स के साथ में और नए नए सेक्शंस के साथ में। सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा देने से आगे वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाता, इसलिए जब भी कुछ एक्ट पढ़ाना रहता है, जब कोई सेक्शन पढ़ाना रहता है, तो सबसे पहले मैं उसके कोर में ले जाता हूँ कि वो सेक्शन लाया क्यों गया। इसके लिए लगभग कई बार सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस या फिर फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच या फिर कोई केस लॉज और कोई अदर, उन सब का सपोर्ट लेते हुए सेक्शन स्टार्ट करते हैं ताकि स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ सके। क्लास में मोस्टली सेक्शन में बार बार रिवाइज करते रहता हूँ और वो भी सेक्शन नंबर के साथ, ताकि ये हो जाए कि जब भी स्टूडेंट पेपर में आंसर देना चाह रहा है तो ना चाहते हुए भी उसको वो सेक्शन नंबर याद आ जाए और वो उसको कोट कर दे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीए लविश मथानी, आई एम अ टीचर ऑफ फ्यू थ्योरी सब्जेक्ट्स एंड लीगल सब्जेक्ट्स इन कंपनी सेक्रेटरी एज वेल एज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। इन कंपनी सेक्रेटरी आई एम अ टीचर ऑफ JIGL, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस and security laws and accounts. In CA, I am a teacher of
company law, auditing, as well as financial management. As a matter of practice, when I teach legal subjects, the focus is on giving practical example to students and also making them familiar or making them empowered to learn the language of the law. Because the competition is on national level and people write very good language. So it is very important to empower the student to write the language. In practical subjects, we try to ensure that all the questions of institute material get practiced rigorously. For that, we also give homeworks. These are the two milestones to do good class. And after completion of coaching class and before exam, we rigorously hold tests and they are very properly checked so that self-evaluation can be done. And for last minute before exams, we do crash classes. We give summary notes, we give audio notes, and we are always ready for any kind of doubt clearing. So we just try to create a complete platform for the student that he should not face any kind of difficulty in professional exams like CA and CS. Thank you. Hello students, I am Anil Kumar Agrawal. I am Faculty of Economics in Excel Educational Institute and I take microeconomics classes of CA Foundation. In our class, I generally take up the theory first and I try to make the student understand the theory in good manner by giving them live examples so that they could remember the theory easily. Then I move to the second part of the most important part of the economics is schedule part. Then we cover the graphical part and then another last part of the study is we give practical examples and practicals. We do practicals in the class. After doing all this, we do not stop. We consider all the rest part that we give regular revision to the students and then we take complete test of the students and we find the weaknesses of the student and work upon them and we always help them to solve their doubts. We personally sometimes give them personal advices and help them to excel in the exam. Thank you very much. Hello everyone. Myself, Engineer Saurabh Agrawal. यहाँ एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो सीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है दैट इज़ सीए फाउंडेशन, इसमें जो मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है जिसमें मैथमेटिक्स स्टेटा एंड रीजनिंग तीन पार्ट होते हैं, ये पूरा मैथमेटिक्स का एक पेपर होता है। ये मैथमेटिक्स का एक पेपर जिसमें मैथमेटिक्स रीजनिंग एंड स्टेटा पार्ट होता है, ये सब्जेक्ट मैं यहाँ पर लेता हूँ। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो सीए करने आते हैं वो 11, 12th में कॉमर्स सब्जेक्ट लिए हुए रहते हैं, तो वो मैथ्स से बहुत एक फियर, एक डर लेके आते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि उनको मैथ्स पढ़ाना है तो मैथ्स के लिए मोटिवेट करना है और मैथ्स को बहुत इतने आसान तरीके से उनके सामने रखना है कि उनको मैथ्स से डर ना लगे, वो मैथ्स को इंटरेस्ट ले करके पढ़ें। जो स्टूडेंट 11, 12th में ऑलरेडी मैथ्स लिए हुए रहते हैं, वैसे स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, तो वो भी इस बात को यहाँ आके समझते हैं जब अपन यहाँ हम उनको मैथ्स पढ़ाते हैं कि 11, 12th में जो मैथ्स पढ़ने का जो तरीका था, जो सब्जेक्टिव पैटर्न होता है, और जब यहाँ वो आते हैं सीए कोर्स करने, जो ये कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, एमसीक्यूज़ होते हैं, तो उनके लिए ये बात समझ में आती है उनको यहाँ पर आकर के कि 11, 12th में जो मैथ्स पढ़े हैं ठीक है, उसका एडवांटेज थोड़ा तो रहता है, बट यहाँ आने के बाद उनको एमसीक्यूज़ फेस करना है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम फेस करना है, तो उनको बहुत सारे ट्रिक्स बताए जाते हैं सारे स्टूडेंट्स को कि वो एग्जाम में एमसीक्यूज कैसे बना सके। एक तो मैथ्स में ये बात है कि ऑलरेडी थोड़ा डरते हैं स्टूडेंट, तो वो डर दूर करना है, इंटरेस्टिंग बनाना है मेरे लिए उस मैं चाहता हूँ कि बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बनाऊँ सब्जेक्ट को। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहती है कि उनको टाइम मैनेजमेंट सिखाना होता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे होते हैं, 100 क्वेश्चन उनको बनाने हैं, उनके पास 2 घंटे का समय रहता है, तो कैसे वो किस तरीके से एग्जाम में परफॉर्म करेंगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, उसके लिए प्रॉपर रेगुलरली हम यहाँ टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में इस लेवल के क्वेश्चन डालते हैं कि अगर स्टूडेंट टेस्ट में यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर यहाँ एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के टेस्ट को बहुत अच्छे से परफॉर्म करके क्लियर कर पा रहा है, तो इस बात की ऑलमोस्ट श्योरिटी है कि वो फाइनल एग्जाम में भी जो पेपर आएगा उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेगा।
और यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं, 11th 12th स्कूल लेवल उनका हिंदी मीडियम में रहता है, तो यहाँ एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में केवल मैथ्स वाली बात नहीं है, ऑल दी सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट में यहाँ के टीचर्स, यहाँ के फैकल्टीज, और हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को प्रॉपर उनको भी हिंदी में मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। हम लोग टेस्ट पेपर भी जो बनाते हैं, टेस्ट पेपर हिंदी में भी छपता है, इंग्लिश में भी छपता है, उनको सारी चीज़ें जो क्लास में अटेंड करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी हम हिंदी में बकायदा बोल करके, हमारी लैंग्वेज ऐसी रहती है एक्सप्लेन करने की कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी कोई परेशानी नहीं होती है। ओवरऑल क्लास बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हुए, सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट जगाते हुए, उनके मन से मैथ्स का डर जो है उसको दूर करते हुए यहाँ मैथ्स अपन टीच करते हैं। ये हमारा पूरा भरपूर प्रयास रहता है कि सारे स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स एग्ज़ाम बहुत अच्छे से, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर कर सकें। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वतन शर्मा, मैं यहाँ एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सी ए फाउंडेशन बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का फैकल्टी हूँ। तो आपको ये तो पता ही होगा कि बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग और लॉ, ये दोनों ही मिला के एक सब्जेक्ट है। बिजनेस करेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग कंप्राइजेज ऑफ 40 मार्क्स एंड लॉ 60 मार्क्स, और ये सब्जेक्ट पूरी तरह से ही थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल मतलब सब्जेक्टिव, आपको मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको एक्चुअल में आंसर्स लिखने हैं। सो द पैटर्न वी फॉलो इन आवर क्लासेस इज, हम बच्चों को ये चीज के लिए मोटिवेट करते हैं कि वो सिर्फ पढ़े ना, वो रिटन प्रैक्टिस करें। दैट इज, अगर आप क्लास में जो पढ़ के जा रहे हैं आप उसको जाके घर पे सिर्फ पढ़े नहीं, आप उसकी रिटन प्रैक्टिस करें, बिकॉज अल्टीमेटली आपको मेन एग्जाम में तो चीजें लिखनी ही है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको लॉ भी लिखना है और आपको इंग्लिश भी लिखना है। तो अगर आप इनिशियली ही प्रैक्टिस रिटर्न नहीं करेंगे तो मेन एग्जाम में बहुत ही दिक्कत होती है, और वो जब मेन एग्जाम में आपको दिक्कत होगी तो वो बहुत लेट हो चुका। बाकी हम क्लास में क्या स्टडी पैटर्न फॉलो करते हैं, हम ये पैटर्न फॉलो करते हैं कि जो भी टॉपिक आज हमने पढ़ा उससे रिलेटेड 5 to 10 क्वेश्चन कल होंगे। That is, कल जो मैं क्लास में पढ़ाने वाला हूं उससे पहले प्रीवियस क्लास का पूरी तरह से रिवीजन होता है, और रिवीजन में मैं सारे न्यू क्वेश्चंस लाता हूं और बच्चों को प्रिपेयर करता हूं कि एग्जाम में नॉट नेसेसरीली बुक से ही क्वेश्चन आएंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन बुक से तो आ ही सकते हैं, साथ में बाहर से भी आ सकते हैं। तो क्लास में ही हम बच्चों को पूरा माइंडसेट ये बना देते हैं कि आप सिर्फ बुक से नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप बाहर से भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। और वीकली टेस्ट तो हमारे यहाँ होते ही रहते हैं, वीकली टेस्ट होते रहते हैं, और लास्ट में जब कोर्स कंप्लीट होने के बाद पूरा ऑल ओवर सैंपल पेपर से हम सॉल्व करवाते हैं, जिससे पूरी तरह से अल्टीमेटली बच्चा प्रिपेयर हो जाए और जब वो मेन एग्जाम में बैठे तो उसको ऐसा ना लगे कि ये तो मैं पहली बार दे रहा हूँ, वो उसके लिए एक रूटीन हो जाता है कि भाई ऐसे एग्जाम तो मैं बहुत बार दे चुका हूं। और क्लास के बाद हम डेली 15 मिनट्स की डाउट क्लास एट द टाइम रखते हैं, अगर 1 आवर की क्लास है तो उस क्लास के बाद आप 15 मिनट डाउट अपने वहीं पे क्लियर कर लीजिए। तो दिस इज द पैटर्न वी फॉलो। थैंक यू। आई एम करनी बोथरा, फैकल्टी ऑफ एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मेरा सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट है सी ए फाइनल कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ एंड एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, एंड फर्दर आई ऑल्सो टीच सी एस एग्जीक्यूटिव एंड सी एस प्रोफेशनल एडवांस कंपनी लॉ एंड कंपनी लॉ एंड अदर लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रटेशन एंड जर्नल लॉ। मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है टीचिंग का कि सबसे पहले क्लास ही में मेरा टारगेट रहता है कि क्लास ही में मैं उस सब्जेक्ट को क्लियर करके कम्प्लीट करवा दूँ। एंड दूसरा मेन मेरा मोटो रहता है कि स्टूडेंट के पास वैसे ही बहुत सारे अदर सब्जेक्ट के बर्डन रहते हैं, तो क्लासी में मेरा टारगेट रहता है कि स्टूडेंट क्लासी में लर्न कर ले विथ क्लेरिटी के साथ, मोर कंसेप्चुअली। एंड फर्दर मेरी जो रिवीजन क्लास रहती है वो बहुत ज़्यादा फेमस रहती है, मैं एक दिन में पूरा कंपनी लॉ को पूरा डिटेल के साथ मैं रिवाइज कर सकता हूँ,
और अभी मैंने सीए फाइनल के लिए और सीएस के कंपनी लॉ के सब्जेक्ट के लिए मैंने एक्सक्लूसिव एक समरी सीट प्रिपेयर की है जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत फ्रूटफुल रहती है। थैंक यू।